इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी उनको लर्न किया था, तो उससे रिलेटेड टीईटी यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट डज एजुकेशन एम टू ड्रा आउट इन एन इंडिविजुअल। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति का क्या विकसित करना होता है। द बेस्ट इन एकेडमिक नॉलेज, बेस्ट इन फिजिकल एबिलिटी, बेस्ट इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, द बेस्ट इन क्रिएटिव टैलेंट। तो हमने किया था यहाँ पर गांधी, गांधी के साथ महात्मा लगाया था और एम से याद रखा था माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीन चीजें। तो राइट आंसर इज सी, यहाँ पर है शरीर मन और आत्मा, ये सेंट्रल आइडिया है महात्मा गांधी की डेफिनेशन का। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू उपनिषदा। उपनिषद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। इंटेलेक्चुअल स्पिरिटी, स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ सक्सेस, मॉरल स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो दो हैं ये ज़्यादा क्रिटिकल हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इनमें से ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है। बौद्धिक श्रेष्ठता लेकिन एक है। तो जब भी हिंदुइज्म या इंडियन फिलॉसफी की बात आती है तो स्पिरिचुअल और सेल्फ को प्रेफर करना बनता है, और यहाँ पर तो उपनिषद है ना, उपनिषद के एस से जोड़कर हमने सेल्फ शायद और स्पिरिचुअल किया था। तो राइट आंसर है अध्यात्मक मुक्ति एंड आत्म साक्षात्कार, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट कंसेप्ट डिड अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है व्हाट कंसेप्ट ऑफ अबुल कलाम आजाद एम्फेसाइज रिगार्डिंग एजुकेशन। अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा संबंधी किस अवधारणा पर बल दिया है। तो अभी भी मुझे याद है कि आजाद से हमने किया था कि आजादी रेवोल्यूशन से मिलती है। रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन किसके लिए, सोशल चेंज के लिए। तो सोशल चेंज वाला रिस्पांस हम प्रेफर करेंगे। एकेडमिक एक्सीलेंस है, रिजेक्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल चेंज, तो ये सोशल चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ड भी आ सकता है। राइट आंसर ये है सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता। तो स्पिरिचुअल लिबरेशन ये नहीं है, मॉरल डिसिप्लिन ये नहीं है। ये हमने अबुल कलाम आज़ाद की डेफिनेशन की थी। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन व्हाट डज एजुकेशन ट्रेन इन माइंड हार्ट। राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा मस्तिष्क और हृदय को किसके लिए प्रशिक्षित करता है। तो हमने राधा कृष्ण को याद कैसे किया था, इनकी डेफिनेशन को, राधा से दिल है ना, फीलिंग्स, और कृष्ण यानी दिमाग, ब्रेन, इंटेलेक्ट। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि टू थिंक, ये थिंकिंग और ये दिल वाली फीलिंग, ये मिल गई, सोचना और महसूस करना। इस पर राधा कृष्ण की एक डेफिनेशन जोड़ देती है। दूसरी डेफिनेशन भी है, व्हाट डज स्वामी दयानंद सरस्वती बिलीव एजुकेशन शुड लीड टू। वेल्थ एंड सक्सेस, ऐसा थिंकर वेल्थ को, कोई भी अच्छी डेफिनेशन जो वेल्थ पर जोर नहीं दे सकती, हाँ सेल्फ पर हो सकता है, फेम एंड रिकॉग्निशन इस पर नहीं हो सकती, सोशल स्टेटस पर नहीं हो सकती। तो राइट आंसर सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है, सरस्वती से सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। रिपीटेड है, मींस अक्वायरिंग नॉलेज, नहीं, द प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक एंड हार्ट टू फील, ड्राइंग आउट द बेस्ट इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट इन ए होलिस्टिक मैनर। तो ये जो है नर्चरिंग द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन एन इंडिविजुअल, पर यहाँ पर ड्राइंग आउट द बेस्ट, ये वर्ड भी है, ड्राइंग भी उनका शब्द है, और बॉडी माइंड सोल पीछे करके आए हैं, होलिस्टिक मेन है, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को, आंसर को हम। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की परिभाषा किस पर जोर देती है। फिजिकल फिटनेस नैरो रह गया, डिलीट होगा। इल्यूमिनेशन ऑफ द माइंड एंड नॉलेज, ये मेन है, सेंट्रल आइडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं, सोशल इंट्रैक्शन नहीं, इल्यूमिनेशन, ज्ञान के साथ मन की रोशनी। ट्रांसलेशन गलत हुई है, लेकिन इसी को टिक करेंगे। इंग्लिश में ठीक है, पेपर में भी ऐसा ही होता है कि
वो वर्डिंग जो है नॉर्मली रॉन्ग ट्रांसलेट होती है, दोनों को देख लेना चाहिए। अरबिंदो घोष, व्हाट इज एजुकेशन पर्पज, अरबिंदो घोष के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तियों के भीतर दिव्य क्षमता को प्रकट करना, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन पोटेंशियल विद इन इंडिविजुअल है। मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन जो है, परफेक्शन जब आता है तो विवेकानंद की डेफिनेशन है, ये कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर राइट आंसर हमारे सामने क्लियर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन बिलीव द एजुकेशन शुड बी प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, बिल्कुल नहीं, ए लाइफ टू सर्व एंड, हाँ एक दिल और दिमाग वाली की थी और एक सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी वाली की थी, तो ये राइट आंसर है एग्जैक्ट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इतने वो डिफिकल्ट नहीं है, पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डुबो सकते हैं अगर आपने देखा नहीं है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो रीजनिंग से सॉल्व हो सकते हैं। कृष्णामूर्ति जिड्डू, जब कृष्णामूर्ति था इनके आई पर फोकस किया था जिड्डू, है ना, डबल डी पर भी शायद फोकस किया था। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन? इनसाइट लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ वंस इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस। ये आई से फोकस किया था इनसाइट लर्निंग, लेकिन इनसाइट लर्निंग वो कोहलर की जो सडन एक्सीडेंशियल के इंसिडेंशियल लर्निंग थी ना, वो कोह एल ए आर, है ना, कोहलर की थ्योरी है, तो ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ वंस ओन इनसाइट, यहाँ स्पिरिचुअल है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस सेल्फ की डिस्कवरी है, इसको राइट आंसर कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द एजुकेशन एज मैन मेकिंग, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है नेट में भी टेट में भी, है ना, तो आंसर इसका डायरेक्ट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, स्वामी विवेकानंद। तो इनको याद कैसे रखा था? विवेकानंद स्वामी एम, मैन मेकिंग प्रोसेस और मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ऐसे याद रखा था स्वामी विवेकानंद जी। हु एम्फेसाइज्ड द एजुकेशन मींस द ट्रेनिंग ऑफ अ कंट्री एंड लव ऑफ नेशन, मुझे याद है जब मैंने बीएड की थी मैंने के से लिखा था, के से कंट्री, के से कौटिल्या, ऐसे याद रखा था, कौटिल्या राइट आंसर। तो नेशन की डेफिनेशन देनी हो तो कौटिल्या की डेफिनेशन को ही रिपीट करना होगा। स्वामी, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद कंसिडर एज द एसेंस ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद शिक्षा के सार में क्या मानते हैं? कुमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर नहीं, रियलाइजेशन ऑफ डिविनिटी, ये डिविनिटी जो है दैट इज द सेंट्रल सेल्फ स्पिरिचुअलिटी, है ना, परफेक्शन इन माइंड, परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माइंड, मास्टरी ऑफ वेरियस स्किल्स ए कन्फर्मिटी, तो राइट आंसर है डिविनिटी वाले को चूज करेंगे। देखिए जब इस एक्सरसाइज से की क्या पता चला कि जब इंडियन कंसेप्ट आता है सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर रहेगा। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन एज मैन मेकिंग प्रोसेस, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में तौर पर जो विवेकानंद जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वेल्थ को काट देंगे, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल को काट देंगे, अवेकनिंग इनर को, पोटेंशियल को टिक करेंगे इंडिविजुअल को, ये सी वाला है, व्यक्ति के आंतरिक क्षमता, मैं वो सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ जिससे आपको राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म श्री अरबिंदो घोष टू डिस्क्राइब द एजुकेशन फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल एन कंपासिंग फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट, दे ये डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबिंदो ने उस शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल करते हुए समग्र विकास करते हैं? तो वो शब्द है इंटेग्रल एजुकेशन, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी का नाम भी इंटेग्रल एजुकेशन है, समग्र शिक्षा, है ना, यहाँ हिंट बन भी गया था। तो ये उनकी शिक्षा का नाम है वोकेशनल कॉम्पिटेंट, जैसे बेसिक एजुकेशन नई तली महात्मा गांधी की एजुकेशन का नाम है, तो ऐसे ही इनका इंटेग्रल एजुकेशन। किसने शिक्षा को ज्ञान के प्रकाश से मस्तिष्क की रोशनी के रूप में परिभाषित किया? डिफाइन द एजुकेशन एज द एलुमिनेशन ऑफ माइंड विद इन द लाइट ऑफ, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ऑलरेडी हो चुका है।
थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, थोड़े ये भी क्वेश्चन हैं, थोड़े प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं इसी कंसेप्ट और इन्हीं कंसेप्ट, इंडियन कंसेप्ट, इंडियन अप्रोच ऑफ एजुकेशन, इंडियन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे।